इतना नहीं होता, सिंपल ही आता है 450 का, वो तो इतना सा आता है छोटा सा 4। ये अच्छा लग रहा है। हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो सुबह की अभी 9:30 बज रहे, तो अभी यहाँ पर बैठी हूँ धूप में, थोड़ा सा धूप छेक रही हूँ और दीदी लोग नाश्ता कर रहे हैं। और तो जैसे कि मैं सर धोती हूँ तो बाल कंघी नहीं लगाती हूँ और आज भी नहीं लगाई मैंने, देख सकते हो बाल का हालत देख के देख सकते हो। तो आज भी नहीं लगाया मैंने कंघी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग आलस आते हैं मुझे बाल कंघी लगाने में, पता नहीं क्यों। तो आज मैं लगा रही हूँ पिंक नेल पॉलिश और मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है, बोल रहा था पिंक। तो कल मैंने लगाई थी मैंने मेरे हाथ में, मैंने कौन से कलर लगाई थी मैंने, मैंने वाइट लगाई थी। वाइट लगा के बोल रहा है कि छपड़ी जैसे कलर लगाई तूने, मैंने सीधा हाथ को साफ कर दिया, आप देख सकते हो ये देखो मैंने पूरा साफ कर दिया। अभी उनको पसंद नहीं है बोलता वाइट कलर, इसलिए मैं ये पिंक लगाऊंगी, उनका फेवरेट कलर पिंक। वो बोल रहा था कि लड़की लोग अगर पिंक ब्लैक रेड लगाएंगे तो अच्छा लगता है लड़कियों का नाखून में, तो इसलिए मैं पिंक लगा रही हूँ अभी, उनका फेवरेट कलर लगाती हूँ पिंक। तो गाइस देख सकते हो मैंने लगा लिया पिंक नेल पॉलिश। उन्होंने कल ही बताया था मुझे कि तुम्हारे हाथ में वाइट कलर अच्छी नहीं लग रही है, तभी मैंने फटाफट साफ कर दिया। साफ करके फिर मेरे पास नेल पॉलिश नहीं था, कल मैं शॉप पे थी तो मेरे पास नहीं था, तो आज अभी लगाया मैंने। कौन आ गया? दीदी लोग नाश्ता करके, देख तो इधर पूरा लाल लाल, देख तो देख तो देख तो It's gonna be okay. Come where is again? तो अभी हम जा रहे हैं, दिमाग ख़राब हो गया जुकाम की वजह से, अभी बहुत ठंडा लग रहा है मुझे कान पे, इसलिए मैंने बाल छोड़ के रखा। अभी फिर आधा रास्ता पहुँच के बांधूंगी बाल, क्योंकि वहाँ उस साइड जो है कि बहुत गर्मी होता है, इस साइड थोड़ा नीचे है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हाँ यहाँ नीचे है ना, तो नीचे की यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा लगता है, यहाँ पर थोड़ा सया सया ना पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है ना, तो
तो यहाँ पर ठंडा लगता है, इसलिए मैंने खोल के रखा है। जैसे ऊपर चढ़ जाऊँ थोड़ा गर्मी हो जाएगी, ऊपर थोड़ा गर्म है ना, वहाँ पर सनलाइट आता है वहाँ से, तो इसलिए ऐसा देखे ना मुझे उसका फील होता है, आउट ऑफ कंट्री का फील होता है। ये है ना, जैसे आउट ऑफ कंट्री में ऐसे घर वगैरह होते हैं और ऐसे रास्ता होता है, ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, वही फील आता है मुझे यहाँ पर। ये वाला घर देख के, दो खिड़कियाँ है इसमें, पर जो भी बोलो यहाँ पर भूत दिखता है बोलते हैं। जो बोलते हैं ना इधर एक रास्ता जाता है, इधर एक रास्ता होता है ना, तीन रास्ते में, तीन बाग में, उसमें भूत वगैरह रहते हैं बोलते हैं। दीदी ने बोला है कि जो वहाँ पर तीन रास्ता होता है वहाँ पर भूत रहता है बोलता है, वहाँ पर हल्ला नहीं करना चाहिए, आराम से जाना चाहिए बोलता है। जैसे यहाँ एक रास्ता गया, इधर एक गया, इधर एक गया, तीन रास्ता में कभी चिल्लाना नहीं चाहिए बोलते हैं। सच्ची में भूत होता है बोलते हैं, यकीन नहीं करते। देखना ट्रेनिंग चल रहा। तो गैस अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर कैमल बैग रोड साइड, और इसने हाथ में मेहंदी लगाया, वीडियो बनानी है इसको रील्स, और इसने मांग टिक्का लेना है बोला इसको, तभी ये लेने जा रहे हैं मांग टिक्का। ये हमको मेहंदी लगाने नहीं दिया है, देखो 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 मेहंदी देखो, ये खुद लगाया अपने हाथों से, लगाया कितना सुंदर लगा। लगाने नहीं दिया है मेरे से, तो नहीं हो पाते मेहंदी, इसने बहुत सुंदर लगाया। मैं तो एक बार लगाई थी, इतना खड़ा लग गया था, कम से दो हफ्ते तीन हफ्ते ऐसे बैठा मेरा मेहंदी, जाता ही नहीं। मैंने इतना रगड़ रगड़ के धोया तब भी नहीं गया। इमरजेंसी वाला लगाना चाहिए, जल्दी जाते हो, जाता ही नहीं कोई से भी। वो मेरे बहुत गर्व पकड़ते हैं मेरे में, मेरे हाथ से। हाँ जीजू प्यार करता होगा ना ज्यादा? नहीं करते मेरे से प्यार, इसलिए तो खड़ा लगता है। प्यार नहीं करता, भाव खाते है, क्या करें, जलना बहुत पड़ते है हमको। कहावत है मेहंदी जिसका ज्यादा दाग पकड़ता है उसका हस्बैंड बहुत प्यार करता है। काश आपका आपका मुंह में कीचड़ करना क्या बोलते हैं। तो आगे हम पहुँचने वाले, अभी एक दीदी है वो थोड़ा कम रेट लगाते हैं, उनके पास जाते हैं। मैं तो वैसे कुछ भी लेने नहीं आई, देखती हूँ मैं ऐसे हूँ ना, कोई लेने जाता ना उनके साथ जाती हूँ ना मैं, जब वो देखते हैं मैं भी फिर देख के मेरे को भी लेने को मन करता है कुछ ना कुछ। फालतू में बेकार में आए, दुकान भी बंद है दीदी का, तो अभी वापस हम जा रहे हैं। हमने सोचा कि कुछ ना कुछ लेंगे उनके दुकान से, चूड़ी वगैरह या मांग टिक्का वगैरह कुछ लेंगे, वीडियो बनाने के लिए चाहिए ना वो सब चीज़ें, तो लेगा सोचा, पर दुकान बंद है। इसको कहते हैं अनलक्की। ये मांग टिक्का, निकिता मुझे मैसेज कर रहे कहाँ है तू। ये वाला चूड़ी मेरे बहुत पसंद है, अपना शादी में पहनना ये वाला है ना, कितना सुंदर है। लेके रखो क्या अभी? लेके रखो, मांग टिक्का बोलते ना इसको। और ये अच्छा, ये नथनी, नथनी बोलते ना इसको, नाक में पहनने वाला, इसका शादी है। और मेरे को ये चूड़ा बहुत पसंद आया, ओ पैसे डाल दिया आदि ने, 650 डाल दिया मुझे। आपको ये वाला चूड़ा पसंद आया ना? हाँ मेरे को ये वाला अच्छा लगा, पर उनको दूसरा वाला पसंद आ रहा है, डाली थी ये वाला पसंद आ रहा है मुझे। दूसरा कौन सा लूं? मांग टिक्का। ये तीनों में से कौन सा है? हेलो, और देखते हैं, ये तेरा सिंपल सिल्वर है, ये साइज का मिल जाएगा दी इसमें का साइज का? साइज देख के ही दूंगी, साइज देख के ही दूंगी। मैं खुद कंफ्यूज हूँ, वैसे तो है ना, ये भी अच्छा लग रहा है मुझे, ये भी अच्छा लग रहा है, ये पहन के ये अच्छा लग रहा है। हाँ ये ठीक है, छोटा सा है ना, चूड़िया एक से एक सुंदर है, पर पूरा कंफ्यूज हो गया कौन सा नहीं, पर मुझे वही ज़्यादा अच्छा लगा पहली नज़र में। ये देखो ये आपके हाथ का? नहीं ये अच्छा लग रहा है मुझे, ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, छोटा नहीं हुआ इसमें। ये चलेगा, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो पहनोगी सही आएगा। एक बार ट्राई कर सकती हूँ मैं बाबू, ये पैकिंग नहीं होता ना, तो नाप देंगे हम, कड़ा ये चूड़ी पहन लीजिए। ये जो आप पहनेंगे ना ये पीछे आएगा छोटा, वो बड़ा पीछे आएगा छोटा, वो तो उससे नाप दो। नहीं ये लेता हूँ फिर, उनको भी यही पसंद आया है, ये सही आएगा ना ये वाला? हाँ ये सही आएगा, ये सही आएगा। फिर वैसे उनको यही पसंद आ रहा है, ये लेता हूँ फिर, आधी की पसंद की, थोड़ा कम लगा दो। एक से एक है, कितना दिन से देख रहा था मैं तो, वैसे इंस्टाग्राम वगैरह में पूरा देखते रहती हूँ मैं तो, चूड़िया वगैरह ये सब। ये वाला ये आपको 600 पड़ेगा, 750 का है। 650 कुछ लिखा है, दिखाओ, 500 लगा दो ना, ज़्यादा भी नहीं, इतना नहीं होता, सिंपल ही आता है 450 का, वो तो इतना सा आता है छोटा सा, 450 तक का ना, ये तो बड़ा है देखो।
500 लगा दो ना दी। नहीं बाबू नहीं, मेरा कितना? आप 130 देना। बड़ा तो 10 रुपया बड़ा तो नहीं होगा ना? नहीं ना, ज्यादा कुछ है नहीं, मार्जिन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे पता है नहीं, ये तो खरीद भी नहीं है हमारी, क्योंकि पता है क्या है, यहाँ पे दुकानें ही 120 तो बोला, 20 रुपीस कम किया। इतना सारा मांग टीका बहुत सुंदर है ना, देखो मांग टीका बहुत सुंदर सुंदर है, बड़े में भी है, पर मुझे वो दिलाएगा, मैं नहीं लूंगी अभी, अभी भी ये चूड़ियाँ वगैरह उनकी ये ना वो है मराठी मराठी लोग जो पहनते हैं नोस में ना, हाँ गणपति है तो गाइस फाइनली मैंने ले लिया है ये वाला उनकी पसंद की। वैसे मेरे वो वाला पसंद आ रहे थे पर उसमें साइज नहीं है, इसलिए मैंने ये वाला लिया है, ये भी अच्छी है। वैसे पहले से शौक था मुझे पहनने का। तो गाइस फाइनली मैंने चूड़ी ले लिया है, मेरे हस्बैंड को यही पसंद था तो उन्होंने मुझे पैसे डाल दिए थे अकाउंट पे, तभी मैंने लिया है। वैसे लेने के इरादे में नहीं आए थे, मैं आया पसंद आया तभी लिया है मैंने, उनकी पसंद की लिया मैंने। मैंने भी ले ली, देखो इसमें मांग दिखाऊंगी नहीं, मांग टीका लिया, इसमें मांग टीका, इसमें मांग टीका लिया है। तो मेरे को वैसे ना काफ़ी दिन से मुझे बहुत ज़्यादा मन कर था लेने का, तो ठीक ही है, मैंने तो नोएडा में पूछा था ये वाला एक पीस कितना, 1200-1300 से बोला था हमें, बट यहाँ पर सस्ता ही मिल गया, 600 रुपये में मिल गया, ठीक है, इतना तो खुश हो गया मैं तो थैंक यू हवी जी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आई होप कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, हो सके अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, लास्ट थैंक यू आदि। तो ये देखिए गाइस मैंने पेन लिया है, तो कैसे लग रहा है जरूर बताना। उन्होंने मुझे दिए है गिफ्ट, घोड़ा कालो हुन्छ भनेर मेन्टेन गरेको तपाईँको छोरीले।